ईसाई समुदाय है वो धीरे धीरे हिंदुओं के प्रति आकर्षित हो रहा है, हिंदू परंपराओं के प्रति आकर्षित हो रहा है। कुछ मीडिया चैनलों ने, जो कि वहां के प्रतिष्ठित मीडिया चैनल हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक शैतान की मूर्ति है। किसी ने बताया कि ये आधा इंसान है आधा बंदर है। ईसाइयों का ये कहना है कि इस मूर्ति को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। तो हिंदुओं के बारे में इतना जानते हैं तो मूर्खों थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में पढ़ लेते तुम लोग। अगर इसको हटाया नहीं गया, इस प्रतिमा को नहीं हटाया गया जो कि शैतान का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो पूरे अमेरिका में सुनामी आ जाएगी। इस तरीके की जो बेवड़ी बातें कट्टरपंथी ईसाई या कट्टरपंथी मुस्लिम करते हैं, ये बता रहे हैं कि आपके कल्चर में वो पावर है जिससे ये डर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बाबा हैं पेलम पेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज मैं आपसे सीधे तौर पर कुछ बात करने वाला हूँ जो बात आपको आज सताने वाली है। जब भी आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों का प्रचार प्रसार होने लग जाता है, एक समुदाय उग के आ जाता है, और हमारे हिंदू सनातन के प्रति ऐसा कोई भी समुदाय हमने देखा नहीं जो कि साथ में आता हो। साथ में कोई नहीं आता, विरोध में तमाम आ जाते हैं, और तो और हमारे अपने ही हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये जो आप आज नीला समुदाय देख रहे हैं, फिर चाहे ये हो या फिर आप अब्राहमिक धर्म के जितने भी आप समुदायों को ले लीजिए, मैं उन्हें समुदाय ही कहूँगा, फिर चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या कोई अन्य पंथ क्यों ना हो, जहाँ पर भी सनातन धर्म फैलने लगता है या प्रचार प्रसार होने लग जाता है, लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दिक्कत इतनी ज़्यादा शुरू हो जाती है कि वे खुलेआम उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। फिर चाहे वह रूस में कुछ समय पहले भगवद गीता को प्रतिबंधित करने की एक चेष्टा करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, फिर चाहे वो हो, हालांकि उस पर भारत सरकार ने जब आपत्ति जताई और रूस को लगा कि कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर उस निर्णय को वापस लिया गया। वहाँ का मामला ये था कि वहाँ पर हिंदू सनातन धर्म फैलने लगा था, तो जब हिंदू सनातन धर्म वहाँ पर फैल रहा था तो ईसाइयों को आपत्ति हुई। उन्होंने कहा कि भगवद गीता तो युद्ध को उकसाती हुई पुस्तक है, और ऐसी पुस्तक का रूस में फैलना काफ़ी चिंतनीय है और इस पर बैन लगाना चाहिए। वहाँ की सरकार ने भी कहा ठीक है हम लगाएंगे, और ऐसे ही बात जब भारत में तो बवाल हुआ था। ये कुछ वीडियोस हैं जो कि उस समय के हैं जब बवाल हुआ था संसद में। क्या आप सूरज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या आप हिमालय को प्रतिबंधित कर सकते हैं? क्या आप पृथ्वी की गति को प्रतिबंधित कर सकते हैं? खैर, ये आपने देखा। अब इसके बाद आता है अमेरिका, जो कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। अमेरिका में अभी 15 अगस्त को हमारे भगवान श्री हनुमान की मूर्ति लगी है, जो कि पूरे के पूरे अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति है। उसके बाद केवल स्टैचू ऑफ लिबर्टी आता है। तो इतनी बड़ी ऊंची हनुमान मूर्ति लगी है और उस पर वहां के कट्टरपंथी ईसाइयों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। बवाल क्या मचा है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस मूर्ति को आपको दिखाएंगे कि ये मूर्ति दिखती कैसी है, और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। देखिए वीडियो। तो ये वीडियो आपने देखा, ये है अमेरिका का। अमेरिका के टेक्सास में ये मूर्ति लगी है, 90 फीट की है, और इस पर जो वेस्टर्न मीडिया है उसका दर्द दिखना शुरू हो गया, वहाँ के ईसाइयों का दर्द दिखना शुरू हो गया। अभी हाल ही में आपने देखा था कि किस तरीके से सबसे जो शिक्षित आबादी है अमेरिका में वो हिंदुओं की है। वहाँ पर हिंदू आबादी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है, जो मंदिर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़े, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है वो काफ़ी तेजी के साथ बढ़ी है, और तो जो ईसाई समुदाय है वो धीरे धीरे हिंदुओं के प्रति आकर्षित हो रहा है, हिंदू परंपराओं के प्रति आकर्षित हो रहा है, और तो जो हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और तो और कई मूवीज़ में जो कि हॉलीवुड ने बनाई हैं उसमें हिंदू सनातन धर्म का बाकायदा रेफरेंस अब देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अमेरिका के ईसाइयों को रास नहीं आ रही। अमेरिकी ईसाइयों ने और कुछ मीडिया चैनलों ने, जो कि वहाँ के प्रतिष्ठित मीडिया चैनल हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक शैतान की मूर्ति है। जी हाँ, बाकायदा हनुमान जी को बताया कि ये शैतान की मूर्ति है, और तो और बता दिया कि ये मंकी गॉड है। किसी ने बताया कि ये आधा इंसान है आधा बंदर है। किसको बोल रहे हैं?
हमारे हनुमान जी को। ईसाइयों का यह कहना है कि इस मूर्ति को पूरी तरह से हटा देना चाहिए क्योंकि यह मूर्ति शैतान का प्रतिनिधित्व करती है या फिर शैतान को दिखाती है, ये कट्टरपंथी ईसाई कह रहे हैं और कुछ मीडिया चैनल्स कह रहे हैं। दोस्तों ये जो प्रतिमा है इसको स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है, यानी ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है इसको स्टैचू ऑफ यूनियन कहा गया है। यहाँ पर मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा, ये आर्टिकल देखिए, ये एंड टाइम हेडलाइंस का आर्टिकल, इसमें लिखा है कि हिंदू टेम्पल जस्ट अनवील अ स्टैचू ऑफ देयर डिमोनिक लॉर्ड हनुमान। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं हमारे भगवान हनुमान को। हाउस्टन एरिया हिंदू टेम्पल्स अनवील्ड अ मैसिव मंकी गॉड स्कल्पचर। वाओ, क्या बात कही है। और तो और ये पहला नहीं है, अभी दूसरा आप देखते हैं। ये देखिए, ये एएफ पोस्ट है, ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है। इसने क्या लिखा है, 90-foot स्टैचू ऑफ हिंदू डीमन हनुमान इरेक्टेड इन हाउस्टन। हिंदू डीमन, अगर इन मूर्खों को, इन चमन चुतियों को यह लगता है कि वो हिंदुओं के बारे में इतना जानते हैं तो मूर्खों थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में पढ़ लेते तुम लोग। तुम चुतियों को इतनी अकल नहीं है कि हिंदू सनातन धर्म में हनुमान जी का क्या स्थान है। अगर तुम लोगों ने हनुमान के बारे में सर्च करा होगा, हनुमान वर्ड ही डाला होगा, तो आपको बहुत कुछ मिला होगा। हिंदू डीमन मतलब हिंदू राक्षस। मुझे तो नहीं लगता कि आप विकिपीडिया, गूगल, कोई भी आप प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, वहां पर अगर आप हनुमान लिखेंगे तो डीमन लिख के आएगा। लेकिन यहां पर उनको डीमन बताया जा रहा है क्योंकि इस मीडिया की पिछवाड़े से सुलग रही है, इसको दिक्कत हो रही है कि किस तरीके से अमेरिका जैसे एक देश में जहां पहले भारतीयों का और हिंदू सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता था, वहां पर आखिर कैसे हनुमान जी की मूर्ति लगाई जा सकती है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इट इज नाउ द थर्ड टैलिस स्टैचू इन अमेरिका। ये एएफ पोस्ट का कहना कि जो हिंदू राक्षस हनुमान है उनकी मूर्ति लगी है, अब अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। इसके अलावा एक वन गॉड नाम की एक कंपनी है, उसने इसका वीडियो शेयर करते हुए, इस मूर्ति का वीडियो शेयर करते हुए गंदगी बताया। जी हाँ, ये अमेरिका की बात है। इसके अलावा ये मॉर्गन एरियल नाम की एक काफी प्रतिष्ठित शख्स हैं, इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने भी बताया ये शैतान की मूर्ति है। और तो ईसाई ये कहते घूम रहे हैं कि अगर ये इस तरह की मूर्तियां लगाई जाने लगी अमेरिका में, या फिर इस मूर्ति को हटाया नहीं गया, तो जो असली गॉड है उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा अमेरिकी वासियों को। ये कहना है वहां के कट्टरपंथी ईसाइयों का। बाकी अमेरिकी न्यूज संस्था न्यूज वीक तो ये कह रही है कि ये तो पूरी तरह से शैतान को समर्पित है हिंदुओं द्वारा, और हिंदू जो है अपने कल्चर को यहाँ पर फैलाना चाहते हैं और वो शैतान की पूजा करते हैं। अगर इसको हटाया नहीं गया, इस प्रतिमा को नहीं हटाया गया जो कि शैतान का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो पूरे अमेरिका में सुनामी आ जाएगी। जी हाँ, ऐसी बातें की जा रही हैं अमेरिकी तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा। अब इस बात के दो सबसे बड़े अहम पहलू निकल कर सामने आते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, समझिएगा इसको। सबसे पहला ये है कि जहां पर भी सनातन धर्म बढ़ता दिखता है, ईसाई कट्टरपंथी हो या फिर मुस्लिम कट्टरपंथी, दोनों बिलबिला के सामने आ जाते हैं। वहीं इन बेवड़ों को तब दिक्कत नहीं होती है जब तुम्हारे यहाँ से आए हुए मिशनरी भारत में आ करके तुम्हारे जीसस को चार हाथों वाला दिखा रहे हैं, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश से उनकी तुलना कर रहे हैं, तब तुम्हें शर्म नहीं आती, तब तुम कहाँ मर जाते हो, वो नहीं दिखता तुम्हें, वो शैतानिक नहीं है। ये जो बेवड़े अमेरिका में हमारे हनुमान जी को शैतान बता रहे हैं, ये तब मर जाते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलते। और ये हर जगह हो रहा है, फिर चाहे वो यूएई हो या फिर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, फ्रांस हो, हर जगह हो रहा है। जहां जहां भी सनातन धर्म बढ़ रहा है वहां वहां ये सारी चीजें हो रही हैं, वहां कट्टरपंथी इस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। ध्यान रहे कि ये अभी यूएई में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी विशेष तौर पर ये कह रहे थे कि देखो मंदिर बना दिया तुमने, इसलिए देखो यहाँ पे बाढ़ आ गई। वही अब अमेरिका में हो रहा है। और दूसरा पहलू ये है कि हिंदुओं, तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं, आप जिसके साथ भी भाईचारा निभाना चाह रहे हो वो आपका कोई नहीं है। ये जो आप भारत में देखते हो, ये तथाकथित भीमटे, सॉरी नौ बौद्ध ये रहते हो, आप इनसे भी आशा नहीं कर सकते। आप कट्टरपंथी मुस्लिम, जिसको आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, ये भी आपका बढ़ता हुआ कल्चर नहीं देख सकते, कोई आपका सहारा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जहां पर भी आप अपने कल्चर का थोड़ा सा भी आपका कल्चर प्रमोट होता हुआ नहीं दिखेगा, जो कि आप करते भी नहीं हो, वो अपने आप प्रमोट होता है। जब उसकी अच्छाई लोगों को दिखती है तो वो खुद अपनाते हैं। बताइए कि अमेरिका में इस समय इस्कॉन के अलावा कौन ऐसी संस्था है जो अमेरिकियों को जा जा करके बता रही है कि आप सनातन धर्म को अपनाओ। जाहिर तौर पर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना रहे हैं, और वो अपना रहे हैं वही देख करके इनको दर्द हो रहा है।
इस तरीके की जो बेवड़ी बातें कट्टरपंथी ईसाई या कट्टरपंथी मुस्लिम करते हैं, ये बता रहे हैं कि आपके कल्चर में वो पावर है जिससे ये डर रहे हैं। खैर डरिए, ध्यान रहे कि हमारे हिंदू तो बेचारे ये बोलते रहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, जबकि बेचारों की हस्ती मिट गई है तब भी वो इसी में पड़े हुए हैं। तो जो समाज इस तरह की बातें मान रहा है वो कहां जाएगा प्रमोट करने अपने सनातन धर्म को। हमारे यहाँ जो बाबा हैं पेलम पेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कहां पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गए, कुछ एक आधे और बाबा हो गए जो समय समय पर खूब आवाज उठा देते हैं। तो सोच के देखिए कि ऐसा समाज कहां प्रमोशन करने जाएगा अपने कल्चर का। और अब जो प्रमोशन अपने आप हो रहा है उनसे भी लोगों को दिक्कत है। खैर लगाइए पाबंदी, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हमारी ऐसी परंपराएं हैं कि तुम कितनी भी पाबंदियां लगाओगे वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब समय आएगा तो तुम इन सब को अपनाने पे खुद ही मजबूर होगे। आज तो था अभी एक कोविड जिसमें सब लोग नमस्ते करते घूम रहे थे, सबों को जलाते घूम रहे थे, प्रकृति खुद तुमको विवश कर देगी सनातन धर्म को अपनाने पर। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो के बारे में कोई राय है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो के बारे में कोई सुझाव है जो भी आपके विचार हो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।